अच्छा इसमें क्या होता है, बड़े प्रोसेस में आप महिलाएं भाभियां बैठी हैं, बड़े प्रोसेस में मेहनत करती हैं, सगाई के दिनों से एफएस के दिनों तक अपने प्लॉट पे काम शुरू करती हैं। पहले उसकी शराब छुड़वाती हैं, फिर बियर छुड़वाती हैं, फिर सिगरेट छुड़वाती हैं, क्या एस्ट्रे जैसा मुंह बना रखा है, यही तो अनुभव में हंस रहे हैं। फिर दोस्त बदलवाती हैं, नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है, और 8-10 साल में जब वो परम संतत्व को प्राप्त हो जाता है, तब एक दिन रात को उससे बालकनी पे बैठ के कहती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा बेचारे का पूरा सिस्टम फॉर्मेट मार दिया, किसका एंटीवायरस चढ़े। अच्छा ये ऐसा नहीं है राहत भाई के हिंदुस्तान में, ये पूरी दुनिया में है स्त्रियों का ऐसा जो परम आतंक है पुरुषों के ऊपर। मैं सर ब्रिस्बेन गया था ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग भी गए होंगे वहां, एक जैसे इनके नेता बैंकॉक जाते हैं, वो बीच में 2-3 महीने गायब हो गए थे, तो अखबार में खबर छपी कि उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए, जैसे होता ना तेंदुआ देखा गया। फिर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था, मैं बैंकॉक गया था चिंतन करने। रोटरी वालों मैं भी कई बार बैंकॉक गया हूं, वहां कुछ भी हो सकता है, चिंतन नहीं। और जो लोग ताली बजा रहे हैं लग रहा है उन्हें देख के कि आप भी काफी चिंतन करके आए हो। तो मैं ब्रिस्बेन गया साहब, वहां गोल्ड कोस्ट बीच है ना, एक गोल्ड सोने जैसा एक जगह है, बहुत बढ़िया। तो हमें घुमाने हमारा आयोजक ले गया था, उसने हमको कहा कि साहब ये देखिए यहाँ समुद्र है इतना अच्छा और सोने जैसा एकदम माहौल है। तो मैं खड़ा हो गया ऊपर जाके, 64वीं मंजिल पे एक होटल है, वहां देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहां एक चाइनीज लड़के लड़की आए, होते ना वो पॉकेट साइज, हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, वो दोनों आए तो उन्होंने अपना